जहलियत से बाहर निकलेंगे। 2 बिलियन मुसलमान हैं और टोटल 15 नोबल प्राइजेस हैं, जिसमें 2 सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट पर हैं। ये शर्मिंदगी नहीं तो क्या है? आप दुनिया के साथ गुस्से में क्यों हैं? आपने तालीम साइंस का बाइकॉट क्यों कर रखा है? क्या आप इसके बगैर अगली सेंचुरी में जा सकेंगे? इस वक्त दुनिया में आप देख लें गाजा में जो हो रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल में हर इस्लामिक कंट्री गाजा ही बन चुका है उसकी वजह। आप गाजा से कम हैं क्या? देखें ना, आप ही के लोग आपको लूट रहे हैं, आप ही के लोग, और 76 साल से लूट रहे हैं, आज के नहीं लूट रहे हैं, 76 साल से लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़, वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये न्यूज़ अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान से पाकिस्तान की ही न्यूज़ हम लेकर आते हैं आपके लिए, और पाकिस्तान के हालात आपके आप सभी जानते ही हैं क्या चल रहे हैं पाकिस्तान में। आज भुखमरी और गरीबी के दौर से जो निकल नहीं पा रहा है, जो और वो दलदल में और भी और फंसता चला जा रहा है, क्योंकि एक तो तरफ से तो IMF का कर्जा भी नहीं चुका रहा, और IMF से पैसे लेके ही IMF के पैसे फिर से दे पा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पर अभी कोई डेवलपमेंट, थोड़ी बहुत चाइना अपने लिए करता है, आपको पता ही है चाइना जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर पैसे देकर उस देश की धरती को खुद के पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है। तो उस चंगुल में पाकिस्तान फंसा हुआ है और ना ही निकल पा रहा है, और ऊपर से वो अमेरिका के साथ भी, उनके साथ पीछे से संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और ऊपर से ये सरकारें हैं दोनों, ये आपको पता है पहली सरकार थी वो भी कितनी भ्रष्ट थी आप जानते हैं। अभी जो नई सरकार बनी है वो भी दूसरी सरकार, हालांकि आप जानते हैं कि इमरान खान की काफ़ी वोट बैंकिंग ज़्यादा थी, वोट ज़्यादा आए थे, लेकिन सरकार इन्होंने उसको जेल में भेज कर और अपनी एक नई सरकार जो कि हार गई थी रातों रात, उनके चुनाव बदल दिए गए थे। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों, आप अंत तक जुड़े रहिएगा, और चलिए न्यूज़ को करते हैं। जो चीज़ें सबसे ज्यादा मैंने देखी गई हैं, जिस पे मैं आज समझता हूँ कि बात करना जरूरी है, क्योंकि इस्लामिक लाइफ में ज़कात और फितराना दिया जाता है इस महीने में, तो इसमें आरजू मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि मेरे ख्याल में इसमें इस महीने में फ्रॉड भी बहुत होता है। जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी अपना हाथ खोलते हैं इस पे। मुझे तकरीबन 100 से 150 मैसेज जो हैं वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आए कि जी वो ये मदरसे हैं छोटे छोटे, पता नहीं क्या, ये क्या कोई समझ नहीं आती कि मजहब को भी बेचना खासकर अपने पर्सनल गेन के लिए, तो ये क्या मजहब होगा। और इसमें दूसरा जो है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक रवाज है, खासकर पाकिस्तान के, क्योंकि फॉरेन रिलीजन है, इसको पूरे तरीके से, इसको स्पिरिट को समझने की कोशिश नहीं की जाती। पूरी दुनिया के अंदर लोग, खासकर यूरोप के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर, लोग एक दूसरे की मदद के लिए निकलते हैं बाहर, लोग एक दूसरे इशिया को सस्ता करते हैं। यहाँ पे जो बिहेवियर है वो ये है कि एक महीने में 11 महीने के पैसे बनाने, क्योंकि इस्लाम के स्पिरिट को समझा नहीं है, सिर्फ रिचुअल में फंसे हैं हम लोग। मस्जिदों के अंदर पंखे चोरी हो रहे हैं, मस्जिदों के अंदर बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इतकाफ के अंदर ज्यादतियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कभी सोचा है किसी ने कि खुदा के घर का एहतराम नहीं है, क्या वजह है इसकी, क्या वजह है? मैंने अगले दिन आपको कहा था कि बकरों पर जोर है, उसके ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ कुर्बानी, खुदा के राह में कुर्बानी देना और सही रास्ते पे देना, उस पर जोर नहीं है, बकरों पे जोर है। लोग कर्जे ले लेके बकरे दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए नुमाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है, यही सबसे बड़ी वजह है। आज इसके मैं एक और मिसाल देना चाहूंगा, हालांकि हुआ नहीं है, मेरे एक जो मजहबी कल्ट है उन्होंने कहा अड्याला जेल के बाद हम ईद की नमाज पढ़ेंगे। क्या नमाज वही होती है? खुद मेरे ख्याल में नमाज तो हर जगह पढ़ी जा सकती है, खुदा तो हर जगह, लेकिन वहां सिंबलाइज क्यों किया जा रहा है? वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं भाई, उसके दरवाजों को जाके चूमना और फिर कहना कि इसका जूठा पानी पाकिस्तान के दरियाओं में डालें ताकि बरकत आए। मैं समझता हूं पता नहीं आपकी डेस्टिनी क्या है। अब मैं दुख के साथ कहूंगा, खासकर मैं इस ईद के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि खुदारा, मैंने कल भी कहा था, कल मैंने ट्वीट भी किया है कि खुदारा आज एक वादा करें कि हम जहलियत से बाहर निकलेंगे, जहलियत से बाहर निकलेंगे। 2 बिलियन मुसलमान हैं और टोटल 15 नोबल प्राइजेस हैं, जिसमें 2 सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट पर हैं। ये शर्मिंदगी नहीं तो क्या है? आप दुनिया के साथ गुस्से में क्यों हैं? आपने तालीम साइंस का बाइकॉट क्यों कर रखा है? क्या आप इसके बगैर अगली सेंचुरी में जा सकेंगे?
इस वक्त दुनिया में आप देख लें गाजा में जो हो रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल में हर इस्लामिक कंट्री गाजा ही बन चुका है उसकी वजह। आप गाजा से कम हैं क्या? देखें ना, आप ही के लोग आपको लूट रहे हैं, आप ही के लोग, और 76 साल से लूट रहे हैं, आज के नहीं लूट रहे हैं, 76 साल से लूट रहे हैं आपको, लेकिन आप बोल नहीं सकते, आप उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। 250 मिलियन लोगों को पता है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। कभी कहते हो फॉर्म 45 है, कभी कहते हो फॉर्म 47 है, लेकिन ये किसने बनाया फॉर्म 45? तुम्हारे बहन भाई बनाते हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही लूट रहे हैं लोकल। मैं तो खैर इनको पाकिस्तानी नहीं कहूंगा क्योंकि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, लेकिन इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? आप भी तो गाजा ही बन चुके हैं। एक साइड पे पठान भाई मार रहे हैं, दूसरी साइड पे ईरानी भी तैयार है, तीसरी साइड पे उधर से भी नारा जंग है कि घुस के मारेंगे। चाइना सिर्फ इसलिए है कि वो उनको आपकी जरूरत है, वरना वो भी शायद आपसे आके अपना सीपैक का जो आपने उनके साथ किया है वो भी शायद आपके खिलाफ होकर इस तरह रिटेलिएट करते। लेकिन उनको छोड़े, आपने लोकल लोगों के साथ क्या हो रहा है? IMF आपका बजट बनाएगा, आपके गुर्दे तक खींच के ले जाएगा। वो वर्ल्ड बैंक ने कह चुका है 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की शरह से नीचे जाएंगे। कल मैं कहीं से पढ़ रहा था 40% ऑलमोस्ट लोग गुर्बत की शरह से नीचे हैं पाकिस्तान। महंगाई का तूफान हिस्टोरिकली हाई है, लेकिन एक और तूफान आने वाला है क्योंकि IMF के पैसे लंदन और दुबई पहुंचने वाले हैं, अंगूठे आपके लगेंगे। अब उसमें मैं मजीद थोड़ा सा आगे जो मैं बात करना चाह रहा था कि खुदा रहा, मैं जो हमेशा मिन्नतें करता हूं इसलिए कि तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। अब आप इससे आगे जा नहीं पाएंगे, आप इससे आगे नहीं जा पाएंगे। यू हैव कम टू द डेड एंड, अब बंद गली में आ चुके हो। अगर आपने अपने रवैये ठीक ना किए तो खत्म हो जाओगे, ये मैं देख रहा हूं। अब उससे मैं आगे देखना चाहूंगा, मैं सख्त नाउमीद हूं आरजू कल परसों से, 2-4 दिनों से इतनी सख्त नाउमीद हूं। आपने पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी, बल्कि आपने मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि देखें कितना अच्छा हुआ है हमारे PM और चीफ मिनिस्टर और मियां बरादरान जो हैं वो कमर्शियल जेट लाइनर के ऊपर उमरे पे गए। आपने वो कमर्शियल जेट लाइनर की हालत देखी, यहां से जहाज उड़ा 350 लोगों को लेकर, उसने जाना जर्दा था लेकिन उसको मदीना लेकर गए वो। उसमें लोगों ने एहराम पहन रखे थे जिन्होंने जद्दा उतर के उमरा करने जाना था, लोगों के साथ बच्चे थे, मरीज थे, सारे थे, उनको ले जाया गया सीधा मदीना लेके गया। फिर वापसी पे फ्लाइट ने इस्लामाबाद जाना था लेकिन उसको लाहौर लेके जाया गया। अब मैं इसमें ये तो नहीं कहूंगा कि पूरे मुल्क के मुंह के ऊपर तमाचा है, लेकिन यह जरूर कहूंगा ऐसी इबादत एक्सेप्ट करेगा खुदा जिसमें आप लोगों की बददुआएं ले रहे हैं, आप लोगों को तकलीफें दे रहे हैं? आप इससे अच्छा नहीं था कि आप अपने जहाजों पे चले जाते? इन सर्कमस्टांसेस में अब मैं आगे मजीद भी आपको बताऊंगा कि आपके हालात क्या है, मेरे मैं आज दुखी क्यों, आज जख्मी क्यों। आरजू उसके बाद आपने एक चेयरमैन सेनेट को पिक किया है जिसमें एक सूबे के सेनेटर मौजूद ही नहीं, एक पार्टी उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। वो जो सेनेटर चेयरमैन सेनेट आपने पिक किया है उसका माजी आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह के एलिगेशन थे। वो स्पीकर बने थे कौमी असेंबली के, तो वहां पे मुलाजमतों के लीगे वो जेल में रहे कि उन्होंने इलीगल लोगों को वहां पे जाबे बेबहा दी थी, फिर वो वजीर आजम बने। तो यहां की एक एक्ट्रेस जो थी उसने एक पाकिस्तान के सारे कपड़े फाड़ दिए थे कि वो फ्लड में गई थी और उनका हार किसी ने, उन्होंने ना हार तो खैर टर्किश ने दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जहाज में बुला लिया था तस्वीर खिंचवाने। अब वो चेयरमैन बन चुके हैं सेनेट के, अब पता नहीं नया ड्रामा क्या होगा। इन सर्कमस्टांसिस में आगे चलता हूं, तीसरे पॉइंट पे चलता हूं। आपके सूबा सरहद वाले इस वक्त आपसे नाराज हैं कि शहबाज शरीफ साहब उनकी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी नहीं वहां भेज रहे ताकि ठेकों की कमीशन और वहां पे लूट मार जो है वो की जा सके। अब दूसरी एक उनको शिकायत है कि शहबाज शरीफ उनकी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी नहीं भेज रहे, लेकिन पिशावर के जो मेयर हैं वो उनकी पार्टी के नहीं है, वो दूसरी पार्टी के, लेकिन वो अपनी मर्जी का अफसर अपने साथ चाहते हैं, वो PTI वाले नहीं दे रहे। इस्लामाबाद के IG के ऊपर इस वक्त आपके मोहसिन नकवी साहब और मैडम पंजाब की चीफ मिनिस्टर, उनके आपस में झगड़ा शुरू हो चुका है। उसके बाद डार साहब जो है वो अपनी मिनिस्ट्री पे खुश नहीं है।
तो इस वक्त अगर आप इन सर्कमस्टांसिस में आप आगे जाने की बजाय तो आप तो पीछे जा रहे हैं, मुसलसल पीछे जा रहे हैं। और एक बंदा जो अंदर जेल में है वो कहता है मैं जला के भस्म कर लूंगा, वो कहता है मैं जिहाद, वो जिहाद की तैयारी कर रहा है, वो जेल में जिहाद की तैयारियां कर रहा है, वो नक्शे बना रहा है कि कहां से क्या अटैक, किधर से किधर जाना है हमने, क्या कौन से जिन हम लेकर आएंगे, कौन से काले जादू के जरिए हमने इस मुल्क को तबाह करना है, अब वो अंदर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। सर उनके लिए तो बिल्कुल तैयार है ईद के बाद एक्शन करने के लिए। मैं कहता हूं जब भी वो आएंगे, ये अमेरिकन, बल्कि मैं आज आपको ये और मजे, अमेरिकन एक अखबार ने लिखा था कि ही इज डेंजरस फॉर पाकिस्तान। उसने 3.5 साल पाकिस्तान को जिनों के साथ चलाया, काले बकरे के साथ चलाया। मुझे उनका कसूर नहीं है, उनको जो उसको लेकर आए थे उनको भी पता है 2018 में उन्होंने। अगली बात, एक मैं और आखिरी बात आपको इस टॉपिक पे बताना चाहूंगा। शहरयार अफरीदी साहब ने पिछले दिनों का एक नारा लगाया था, ये तेरे बाप की पार्टी नहीं है मेरी भी पार्टी है, क्योंकि पार्टी के अंदर इंतजार शुरू है, उस पर वकीलों ने कब्जा कर लिया और जो पुराने जो लोग थे वो साइड लाइन पर बैठे थे उनको तकलीफ होनी चाहिए। उन्होंने एक नारा लगाया कि ये तेरे बाप की पार्टी नहीं है। दूसरी तकरीर उन्होंने की है तो उन्होंने कहा है, तो न्यूज में देखा दोस्तों आपने कैसे कि आजकल जो पाकिस्तानी युवा है और या पाकिस्तानी जितनी भी जनता है वो कैसे उनका खून वो सरकारें चूस रही हैं, या तो वो मतलब उनको एजुकेशन लेवल तो मतलब इनको हमेशा से जीरो रहा है और जीरो ही रहेगा, क्योंकि ना ही वो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं ना ही आगे बढ़ने दे रहे हैं इनको, क्योंकि कल को जो इनकी जो कैलकुलेशन है जो हिसाब है, क्योंकि युवा मांग सकते हैं इसलिए उनको बस वो छोटी सी चार दीवारी के अंदर ही घुमाए जा रहे हैं, इसलिए इनको मदरसे से निकल के और नई एजुकेशन सिस्टम आज तक इनका बना ही नहीं है। और आज भी आप इनके गाँव या स्कूलों में जाकर देखेंगे तो इनका एजुकेशन का बिल्कुल जीरो हाल है, इनको आज तक ये भी नहीं पता कि पृथ्वी चपटी है या गोल है, और ये इसी आज से हजारों साल पहले किताबों के ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि हालांकि विज्ञान आज मंगल ग्रह तक पहुंच गया है और ये आज तक उसी अपनी सोच पर जिंदा हैं, और ये जैसे कि आपको पता है इनकी सोच क्या है कि हमें बेहतर उम्र मिलेंगी, हम मरेंगे तो उसको मार देंगे, आपको खुद फट जाएंगे तो बेहतर उम्रों के पास चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान कभी सुधर पाएगा या नहीं, आप उनका प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और न्यूज़ आपको कैसी लगी है भी ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।